Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 9933215764. नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम बाराटांग में हैं और यहाँ पर हम BSNL के जो टेलीफोन एक्सचेंज है उसके बगल खड़े हैं और हमारे साथ अलगर जी भी हैं। और अलगर जी यहाँ के ज़िला परिषद मेंबर हैं। हम आपको बता दें, जब मैं बाराटांग आया तो ये देख के सरप्राइज़ हो गया कि यहाँ पे जो है एयरटेल का 4G नहीं काम करता है, जबकि एयरटेल यहाँ में पिछले ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से है। और ये देख के भी सरप्राइज हो गया कि यहाँ पे लोग मोबाइल डेटा नहीं यूज़ कर पा रहे। जो BSNL का 4G है वो काफ़ी स्लो है और अनरिलायबल है। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे अंडमान निकोबार में कहीं भी BSNL का सर्विस जो है रिलायबल नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर भी बाराटांग में भी BSNL का सर्विस जो है वो टोटली अनरिलायबल है। और यहाँ पर लोगों को काफ़ी परेशानी होता है, जहाँ पर पूरे साउथ अंडमान में, यहाँ तक कि हमारे निकोबार डिस्ट्रिक्ट में भी, कार निकोबार में, कैम्बल बे में, हर जगह डिजिटल पेमेंट्स जो है आगे बढ़ गए हैं और लोग इजीली अपना मोबाइल डेटा यूज़ करते हैं और पेमेंट्स करते हैं और यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं, प्लस उनको जो भी इंटरनेट में काम रहता है अपने मोबाइल में ईजिली कर लेते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा मनी स्पेंड करें, क्योंकि उनका मोबाइल डेटा बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। वहीं यहाँ पे बाराटांग में मोबाइल डेटा नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। और जो BSNL का 4G है उसका सिचुएशन तो आप पहले से जानते ही हैं। तो अलगर स्वामी जी से हम ये जानना चाहेंगे कि सर आप बताइए कि जब पूरे अंडमान निकोबार में हर जगह ये मोबाइल डेटा इतना अच्छा काम कर रहा है, आज के डेट में लोग डिजिटल पेमेंट्स को अडॉप्ट कर रहे हैं और इतना अच्छा मतलब डेवलपमेंट हुआ है पूरा अंडमान निकोबार, वहीं बाराटांग जो इतना फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ पे जो है एयरटेल पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों से है, फिर भी क्यों यहाँ पे अभी तक 4G का सर्विस पूरी तरीके से नहीं शुरू हो पाया? और एयरटेल ने तो 4G यहाँ पे लॉन्च ही नहीं किया है और BSNL का जो 4G है वो भी इतना स्लो है। तो इतना इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के बावजूद यहाँ पे मोबाइल डेटा सर्विस क्यों नहीं है सर? और टेलीकॉम सेक्टर में और क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स है? नमस्कार जी, निकोबार टाइम्स को सर, आप बाराटांग आए और आपने ये सारी समस्या को देखा आज, तो मैं यही बताना चाहता हूँ अंडमान प्रशासन से। और बार बार हम लोगों ने टेलीकम्युनिकेशन के जो CGM है और उस सेक्टर पे हम लोगों ने जाके मिला और हमारे मुख्य सचिव से भी हम लोगों ने बात की। यहाँ पे जो आज टोटली डिजिटल इंडिया पे काम हो रहा है, आज बैंकिंग को लेके मैक्सिमम समय स्टेट बैंक में जो लोग, यहाँ एक मेन मुख्य बैंक है स्टेट बैंक है और कोऑपरेटिव बैंक है, तो स्टेट बैंक में जो लोग आ रहे हैं उनका मैक्सिमम समय जो है लोग उतने दूर दूर से आते हैं, आने के बाद भी जो है यहाँ पे जो ये नेटवर्क का इशू की वजह से जो है वो बैंकिंग का काम नहीं हो पाता है, फिर वो पूरे दिन रह के वापस घर जाते हैं। तो इस तरह का जो, और मैं बताना चाहता हूँ सर, यह अंदर के एरिया जो है, जहाँ इंटीरियर एरिया है, आज भी खट्टागाड़ी से ले लीजिए, लोकड़ाचान ले लीजिए, बोलचा, विजयगढ़ बंगाली बस्ती, विजयगढ़ रांची बस्ती, इस तरह के कई सारे बस्ती हैं जहाँ पे आज तक जो है कोई टावर नेटवर्क का कोई इशू है। और ये हम लोग कई बार प्रशासन के सामने रखे हैं कि यहाँ वहाँ से अगर कोई एक मेडिकल पेशेंट को भी अगर कुछ कॉल करना है एम्बुलेंस को, तब वो कॉल नहीं कर पाते हैं, कहीं दूर आने के बाद जो है वो तब तक जो है कोई ना घटना घट जाता है वहाँ पे मेडिकल लाते लाते पेशेंट को। इस तरह का समस्या नेटवर्क को लेके है। और हाल ही के दिन पे जो है मैंने जियो नेटवर्क वाले भी आए थे, उनसे भी अपील किया, वो लोग, उन लोगों ने बोले कि आप एक लेटर लिख के देना, उसके बाद वो लोग आएंगे। तो उनसे उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि वो बाराटांग आके वो जो है लोकड़ाचान और आपका जो है बिजडेरा और आपके जो है विजयगढ़, वहाँ पर जो है टावर लगाएंगे और वहाँ से जो जियो नेटवर्क करेंगे। लेकिन बड़ा दुख की और दुर्भाग्य की बात है कि आज जो है 12 साल होने को आया एयरटेल का टावर, एक सिंगल टावर एयरटेल का लगा हुआ है हमारे जहाँ ओरलकचा जो एरिया है वहाँ पे लगा है, लेकिन उस टावर में जो आज तक जो है 4G नहीं है। और ये 4G बिल्कुल ही, उन लोग इस नेटवर्क में पूरे हफ्ते में 3 दिन शायद वो एयरटेल का नेटवर्क रहता है, बाकी पूरे 4 दिन तो जो ऑफ ही रहता है। और उसको देखने वाला भी जो एयरटेल के यहाँ पे कोई लड़का सफिशिएंट रखे नहीं है कंपनी ने, और जो है इसीलिए जो है वो टावर से जो है कोई बेनिफिशरीज बाराटांग एयरटेल नेटवर्क के जो सिम लिए हुए हैं उनको कोई बेनिफिशरी इसमें फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। और ताकि जो है कोई 4G और कोई, मैं प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से कि आप जल्द से जल्द थोड़ा एयरटेल को थोड़ा सा 4G करवा के BSNL के मुकाबले, आज हर जगह आप सुनने में आए कि आप कह रहे थे कि पूरे निकोबार के उस कैम्बल पे के छोर तक जब एयरटेल चाह रहा है, तो हमारे तो टूरिज्म प्लेस है, यहाँ पे जरूर होना चाहिए, लेकिन जो है ये असमर्थ है।
तो देखा आपने किस तरह से जो है बाराटांग टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ही पीछे है, और यहाँ पे 4G सर्विस के नाम पे बस BSNL का 4G है जो कि चलता भी नहीं है, बहुत कम डेटा स्पीड मिलता है और ये सफिशिएंट नहीं है लोगों के लिए। और एयरटेल जो अलगर जी बता रहे थे यहाँ 12 साल पहले जब यहाँ पे एयरटेल आया है, और जब कैम्बलवे के सदर्न मोस्ट विलेज यानी कि जो सदर्न मोस्ट सेटलमेंट है शास्त्री नगर, वहाँ तक एयरटेल 4G पहुँच सकता है, तो बाराटांग जैसा मेन टूरिस्ट हब में एयरटेल ने अभी तक 4G क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया, ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग क्वेश्चन है। और इस चीज़ को हम एयरटेल के साथ भी टेकअप करना चाहेंगे कि इतना इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बाराटांग और यहाँ पे क्यों उन्होंने 4G सर्विस नहीं स्टार्ट किया। और जैसे कि अलगर जी ने बताया जियो यहाँ पे USOF के एक प्रोजेक्ट के तहत जो है कुछ टावर्स लगाएगा जो कि पूरे अंडमान निकोबार में अलग अलग जगह पर लगाने वाला है, और इस USOF के प्रोजेक्ट के अंदर BSNL को भी कुछ टावर्स लगाने का जो है कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और BSNL भी यहाँ पे जो है टेलीकॉम कनेक्टिविटी इम्प्रूव करेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बाराटांग का जो टेली कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है ये टोटली सॉल्व हो जाएगा, पर ये बहुत ही शर्म की बात है कि इतना इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन होते हुए भी यहाँ पे अभी तक जो है 4G सर्विस, जो रियल 4G स्पीड्स है वो लोगों को नहीं मिल रहे, और 4G सर्विस अभी तक यहाँ पे असली 4G सर्विस जो है एयरटेल का 4G सर्विस वो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, और BSNL जो है वो जो है अपना 3G को 4G में कन्वर्ट करके चला रहा है, और इस वजह से उनका स्पीड नहीं रहता है जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद।